हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनलिमिटेड एजुकेशन। मैं रमेश सिंह। एएलपी स्टेज टू का जो ट्रेड का एग्जामिनेशन होगा और उसमें मेरा ट्रेड का टॉपिक होगा रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, इसका ये सेकेंड लेक्चर है जिसमें मैं कुछ क्वेश्चंस और उनसे जुड़े जो भी थ्योरेटिकल जो डिटेल्स है, जो भी कॉन्सेप्ट है, क्योंकि डायरेक्टली मैं आपको थ्योरी अलग और न्यूमेरिकल अलग नहीं, न्यूमेरिकल या फिर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है अलग नहीं बताने वाला हूँ। मैं साथ लेके चलूँगा, मतलब पहले क्वेश्चंस और हर एक क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट आ रहा है, उससे जुड़ा हुआ क्या फैक्ट्स, जो भी मतलब डाटा आपको चाहिए, फॉर्मूला चाहिए या फिर कोई फैक्ट्स चाहिए, तो मैं यहाँ पे साथ ही साथ डिस्कस करते जाऊँगा, जिससे कि आपको पढ़ने में आसानी होगी। क्योंकि रेफ्रिजरेशन एक काफ़ी कम्प्लेक्स और डीप सब्जेक्ट है, क्योंकि आप रेफ्रिजरेशन साइकिल ही पढ़ते जाएंगे तो महीनों तक पढ़ते रहेंगे, क्योंकि फिर उसमें रीहीट है, रीजनरेशन है, बहुत तरह का कॉन्सेप्ट है। तो काफ़ी इसको सिंपल वे में मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, और ये उसका सेकेंड लेक्चर है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का हमारा क्वेश्चन जो है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक रीड वाल्व सामान्यता होता है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्प्रिंग की संख्या वाल्व के साइज के अनुसार कम या अधिक हो सकती है। अब जो इंग्लिश में पढ़ते हैं उनके लिए मैं कुछ कुछ चीज़ें इंग्लिश में भी डिस्कस करते जाऊंगा, और दोनों आदमी को जो हिंदी मीडियम के हैं जो इंग्लिश मीडियम, क्योंकि बहुत लोगों का कमेंट आया था कि सर इंग्लिश में बताइए, तो इंग्लिश वाले लोगों के लिए थोड़ा तो आपको कहीं ना कहीं आपको मैनेज करना पड़ेगा। तो रीड वाल्व जो है, देखिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, REED होता है रीड वाल्व, ठीक है, रीड वाल्व। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक के लिए, क्योंकि रीड वाल्व में तो नॉर्मली कितना स्प्रिंग्स होता है, ठीक है, तो स्प्रिंग का नंबर जो है रीड वाल्व के साइज पर निर्भर करता है। ये था इसका आंसर। देखते हैं इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि रीड वाल्व होता क्या है। मान लीजिए कि आपको एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन पूछ देता है कि रीड वाल्व का यूज़ कहाँ पे करते हैं, तो इस चीज़ को समझिए कि ये जो मेरा नॉर्मली एक इंजन है, और ये देखिए ये मेरा सिलेंडर है, ये पूरा सिलेंडर है, इसके अंदर में इंजन का जो सिलेंडर है नॉर्मली मान सकते हैं। तो सिलेंडर में जो इनटेक होता है, जहाँ पे एक्चुअली अब इंजन की बात हम यहाँ पे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि रेफ्रिजरेशन जो साइकिल होता है उसमें नॉर्मली चार चीज़ यूज होता है, तो एक उसमें इम्पॉर्टेंट है कंप्रेसर। और कंप्रेसर क्या है, कुछ नहीं है, एक इंजन का सिलेंडर ही है। जो बाइक में हम नॉर्मली मान लीजिए इंजन है, तो वो इंजन भी हम एज ए कंप्रेसर यूज़ कर सकते हैं, इसीलिए उसको जो है यहाँ पे हम पढ़ते हैं। तो वहाँ पे इंजन के अंदर में एयर जाता है और फ्यूल, ठीक है, कार्बोरेटर से फ्यूल जाता है या फिर डिजिटल जो इंजेक्शन सिस्टम है उससे फ्यूल जाता है, तो उसमें फ्यूल जाता है, लेकिन यहाँ पे फ्यूल नहीं जाएगा, सिर्फ एयर जाएगा, उसको कंप्रेस करेंगे, ठीक है, या फिर एयर जैसे रेफ्रिजरेंट यहाँ पे जाएगा, फेरॉन हो गया, या फिर CO2 भी कहीं कहीं यूज़ होता है, तो अमोनिया भी यूज़ होता है, तो ये सब उसके अंदर में जाता है, कंप्रेसर के अंदर हम उसको कंप्रेस करते हैं। अब समझते हैं कि देखिए ये है रीड वाल्व मेरा, यहाँ पे देखिए रीड वाल्व लिखा हुआ है, तो रीड वाल्व और वहाँ पे क्या लिखा, फ्यूल इनटेक, तो फ्यूल कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे फ्यूल अगर नहीं है तो सिर्फ एयर को जैसे कंप्रेस करेंगे या रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करेंगे, ठीक है, तो रेफ्रिजरेंट जब अंदर जाएगा तो इस फ्लो को कंट्रोल करता है। रीड वाल्व क्या करता है कि रीड वाल्व का काम है फ्लो को कंट्रोल करना, कि फ्लो का क्या स्पीड होगा, ठीक है, तो फ्लो को कंट्रोल करता है। इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रीड वाल्व का काम क्या है, ठीक है दोस्तों। और वो जो मैंने डिस्कस किया लास्ट क्वेश्चन, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो मैं जो भी बता रहा हूँ, जो भी फैक्ट्स बता रहा हूँ, इवन क्वेश्चन के फॉर्म में हो ना हो, आप उसे अपने नोटबुक में नोट करेंगे, क्योंकि सारा चीज इंपॉर्टेंट है। तो बस मैं इस पिक्चर से यही समझाना चाहता था कि रीड वाल्व का क्या काम है, तो फ्यूल इनटेक या इनटेक जो है, जो भी आ रहा है उस चीज़ को, फ्लो को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, रेफ्रिजरेशन प्रेशर में कंप्रेसर रेशियो क्या होता है। तो देखिए अब कंप्रेसर रेशियो मैं लिख देता हूँ CompressorR कंप्रेसर रेशियो क्या होता है। तो दोस्तों कंप्रेसर रेशियो जो होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, एब्सोल्यूट डिस्चार्ज प्रेशर। आप नोटबुक में इंग्लिश वाली लिख लीजिए, एब्सोल्यूट डिस्चार्ज प्रेशर, और ये रेशियो है किसका, एब्सोल्यूट डिस्चार्ज प्रेशर टू एब्सोल्यूट सक्शन प्रेशर, यहाँ पे सक्शन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, SUCTION सक्शन प्रेशर, तो एब्सोल्यूट डिस्चार्ज प्रेशर टू एब्सोल्यूट सक्शन प्रेशर का रेशियो ही है कंप्रेसर रेशियो। तो कंप्रेसर एक अभिन्न अंग है कोई भी रेफ्रिजरेशन साइकिल का, या फिर रेफ्रिजरेंट हो या फिर AC हो, ठीक है, रेफ्रिजरेटर जो घर में यूज होता है वो हो या फिर AC हो, दोनों का, और उसमें कंप्रेसर रेशियो क्या होगा, तो एब्सोल्यूट डिस्चार्ज प्रेशर टू एब्सोल्यूट सक्शन प्रेशर। मतलब क्या, अब देखिए इसका मतलब हम समझते हैं, तो इसका मतलब ये एक नॉर्मल साइकिल है, रेफ्रिजरेशन साइकिल है, इसमें देखिए कंप्रेसर ये कंपोनेंट है, कंप्रेसर, कंडेंसर एक कंपोनेंट है, एक्सपेंशन वाल्व और इवेपोरेटर, ये चार मेन कंपोनेंट होते हैं किसी भी रेफ्रिजरेशन साइकिल के।
अब देखिए इसको हम समझते हैं कि कंप्रेसर, देखिए अब कंप्रेसर रेशियो क्या होगा, तो कंप्रेसर में घुसते समय जो भी उसका प्रेशर होगा, ठीक है, और निकलते समय जो प्रेशर होगा, तो निकलते समय जो प्रेशर होगा, कंप्रेस करना मतलब उसको ज़्यादा प्रेशर में डाल रहे हैं हम, तो ठीक है वॉल्यूम घटेगा और प्रेशर बढ़ेगा, तो जो कंप्रेसर में डिस्चार्ज होगा वो प्रेशर बटा जो इनपुट प्रेशर है, लो प्रेशर, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ना हाई प्रेशर गैस लो प्रेशर गैस, तो ये प्रेशर बटा ये प्रेशर, यही है कंप्रेसर रेशियो। और इसी से कंप्रेसर नॉर्मली ये 10 तक होता है, 10 हो गया मैक्सिमम, उससे ज़्यादा जो है नॉर्मल यूज में नहीं होता है, नॉर्मली 3, 4, 5 इस रेंज में, 6 के रेंज में, मतलब 3 से 6 के रेंज में कंप्रेसर रेशियो होता है दोस्तों। तो इस चीज़ को आप समझिए कि कंप्रेसर में घुसने से पहले लो प्रेशर जो एयर था, और कंप्रेसर के निकलने के बाद हाई प्रेशर गैस हो गया, तो कंप्रेसर के निकलने के बाद जो प्रेशर है बटा कंप्रेसर में घुसने से पहले जो प्रेशर है, इसी को हम कंप्रेसर रेशियो बोलते हैं। और इस तरह का क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए मैकेनिकल शाफ्ट सील आवश्यक है, तो मैकेनिकल शाफ्ट सील आवश्यक है किसमें, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ओपन टाइप कंप्रेसर में। अब ये क्वेश्चंस इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए आपका जो ट्रेड का एग्जाम होगा उसमें प्रैक्टिकल्स क्वेश्चन ज़्यादा रहेंगे, प्रैक्टिकल बेस्ड, और थोड़े बहुत थ्योरेटिकल भी रहेंगे, तो आपको नॉर्मली याद करना है। इसमें मैं समझा देता हूँ कि मैकेनिकल शाफ्ट सील ओपन टाइप कंप्रेसर में क्यों ज़रूरत है। तो देखिए इसमें जब था सेमी हर्मेटिक कंप्रेसर, हर्मेटिक कंप्रेसर, हर्मेटिक रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, ओपन टाइप, तो समझते हैं सबसे पहले कि हर्मेटिक कंप्रेसर क्या होता है। देखिए अब मैं इसका दो फैक्ट्स है, एक टाइप ऑफ सील्ड मतलब किस टाइप का सीलिंग है। देखिए कोई कंप्रेसर कैसे चलेगा, अपने आप तो चलेगा नहीं, तो कंप्रेसर को हम लोग क्या करते हैं, मोटर से कपल करते हैं, मोटर का जो शाफ्ट है और कंप्रेसर का शाफ्ट है उसको हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे से जोड़ते हैं, तभी तो मोटर घूमेगा तो कंप्रेसर घूमेगा, क्योंकि कंप्रेसर के अंदर में काम करना है, एयर को कंप्रेस करना है या रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करना है। तो होता क्या है कि नॉर्मली कंप्रेसर देखिए कितना, 4 टाइप का होता है, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर क्योंकि टाइप ऑफ पिस्टन का मूवमेंट के ऊपर ये बेस्ड है, रोटरी कंप्रेसर, स्क्रू कंप्रेसर और सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर, लेकिन टाइप ऑफ सीलिंग के ऊपर कि दोनों किस तरह से कपल है, मोटर और मोटर का शाफ्ट और कंप्रेसर का शाफ्ट किस तरह से एक दूसरे से जुड़ा है, इसके बेस्ड पे 3 टाइप का कंप्रेसर होता है, हर्मेटिक कंप्रेसर, सेमी हर्मेटिक कंप्रेसर और ओपन कंप्रेसर। और यही ओपन कंप्रेसर में सीलिंग जो है मैकेनिकल टाइप का होता है। तो अब तीनों को थोड़ा सा देख लेते हैं कि अब देखिए हर्मेटिक कंप्रेसर जो है इसमें देखिए क्या होता है कि हर्मेटिक कंप्रेसर में कि इन हर्मेटिक सील्ड, सील्ड मतलब मैं बता ही दूंगा कि सीलिंग किस टाइप का होगा कि दोनों शाफ्ट को कपल करना है, मोटर का शाफ्ट और कंप्रेसर का शाफ्ट, तो कंप्रेसर एंड ड्राइविंग मोटर कपल टू द सेम शाफ्ट एंड आर इनक्लोज्ड इन ए कॉमन रिजिड केसिंग मेड ऑफ वेल्डेड। तो सिंपल ये चीज़ आप, ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वेल्डिंग किया हुआ रहता है मतलब फुल्ली इनक्लोज्ड हो गया, कोई तरह का लीकेज नहीं हो सकता है, ठीक है, दोनों शाफ्ट एक दूसरे से वेल्डिंग करके पूरा एकदम सील रहता है, बस ये चीज़ आप याद रखिएगा। और नॉर्मली जो है हम लोग के जो होम में यूज होता है तो इसी टाइप का हर्मेटिक कंप्रेसर ही यूज होता है। तो हर्मेटिक कंप्रेसर हो गया वेल्डेड सील्ड, बस ये बात आप याद रखिएगा, और ये मोटर ड्राइविंग शाफ्ट है और कंप्रेसर शाफ्ट को एक दूसरे से जोड़ता है, तो ये इसका मेन था फैक्ट्स। अब देखिए सेमी हर्मेटिक में क्या होगा, तो आपको ज़्यादा चीज़ याद रखना है, एक बार इसको आप रीड कर लीजिएगा और बेसिक ही समझिए, उसमें वेल्डिंग हुआ था कपल करने के लिए दोनों शाफ्ट को, मोटर शाफ्ट और कंप्रेसर शाफ्ट को। इसमें क्या होता है कि इसमें जो है बोल्ट से बोल्टेड रहता है, बोल्ट से कसा हुआ रहता है, एकदम बोल्ट से कसा हुआ रहता है, बस ये है। तो ये उससे थोड़ा सा मतलब थोड़ा ज़्यादा इसका कमज़ोर है हल्का उससे, और इसमें क्या होता है कि केसिंग इज बोल्टेड, देखिए यहाँ पे बस आपके लिए ये फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है, देखिए द केसिंग इज बोल्टेड टुगेदर इंस्टेड ऑफ रिजिडली वेल्डिंग, मतलब वेल्डिंग नहीं रहता है यहाँ पे, बोल्टेड रहता है। इट ऑफर्स लिमिटेड सर्विसेबिलिटी, तो थोड़ा तो कहीं ना कहीं सर्विस इसका वीक उससे होगा ही, क्योंकि फुल्ली इनक्लोज्ड नहीं हो गया, बोल्टेड है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए नेक्स्ट जो ओपन टाइप का कंप्रेसर है इसको देखते हैं। इन दिस टाइप कंप्रेसर एंड मोटर वर्किंग एज टू सेपरेट यूनिट, उस वो दोनों में एक ही साथ रहता था, एक में वेल्ड किया रहता था, एक में बोल्ट किया हुआ रहता था। ओपन में क्या है कि दोनों अलग अलग यूनिट के तौर पर काम करता है, उसके बाद फिर जुटेगा कैसे, तो द कंप्रेसर इज कनेक्टेड टू द मोटर बाय बेल्ट और क्रैंक शाफ्ट आर सम सस्पेक्टेबल टू लीक। देखिए तो क्रैंक से ओपन टाइप कंप्रेसर हो गया तो कहीं ना कहीं इसमें शंका रहेगी कि लीक हो सकता है, क्योंकि क्रैंक शाफ्ट से जुड़ा रहेगा या फिर कोई बेल्ट से, जैसे चेन ड्राइव से भी जुड़ा रह सकता है, बेल्ट से जुड़ा रह सकता है, ठीक
ठीक है दोस्तों, तो ये था, इसीलिए इसमें मैकेनिकल सीलिंग की आवश्यकता होती है ताकि मेरा फ्लूड जो है लीकेज ना हो। तो ये था उसका कॉन्सेप्ट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जब कंडेंसर की पानी की ट्यूब सील्ड होती है तो कंप्रेसर, देखिए जब कंडेंसर की पानी की ट्यूब सील्ड रहेगी तो कंप्रेसर का टेम्परेचर जो है तापमान, इसको टेम्परेचर बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए क्या होता है कंडेंसर में, कंडेंसर में चारों तरफ पानी रहता है, बीच में जब ये रेफ्रिजरेंट गुजरेगा उससे तो इसका जो हीट रहता है उसका, कंडेंसर का काम क्या है कि इसका टेम्परेचर को हम डाउन कर दें, तब ना ये उस साइकिल में फिर जब रेफ्रिजरेंट आगे पहुंचेगा इवापोरेटर में, इवापोरेटर जब आप मान लीजिए आपका घर का फ्रिज है उसको खोलते हैं तो जो भी सामान रखते हैं ठंडा करने के लिए, आपका जूस हो गया या मिल्क हो गया या कुछ भी आपका सब्जी रख देते हैं, तो उस यूनिट को इवापोरेटर बोलते हैं। वहां से क्या करता है, हीट निकालता है। रेफ्रिजरेटर क्या करता है, उसका जो गर्मी है उसको खींच के उसको ठंडा करता है, तो वो गर्मी कौन खींचेगा, तो रेफ्रिजरेंट खींचता है। और वही रेफ्रिजरेंट जब कंप्रेस होके कंडेंसर में पहुंचता है तो कंडेंसर का काम है उसका टेम्परेचर को यहाँ ठंडा करना, तब ना फिर वहां जाके उससे फिर हीट लेगा, ठंडा रहेगा तब तो टेम्परेचर हाई से फिर लो में हीट खींचेगा। तो ये कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी, समान रहता है। तो जब कंडेंसर की पानी की ट्यूब सील्ड होगी मतलब बाहर का टेम्परेचर का उसके अंदर कंडेंसर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो अंदर का टेम्परेचर जो है कंप्रेसर का समान रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एयर कंडीशन की ग्रिल पर वायु की आपेक्षिक आर्द्रता, आर्द्रता को दोस्तों ह्यूमिडिटी बोलते हैं, आप याद रखिएगा ह्यूमिडिटी, ठीक है दोस्तों ह्यूमिडिटी। तो एयर कंडीशन जो होता है नॉर्मली है, उसकी जो ह्यूमिडिटी है रूम के ह्यूमिडिटी से अधिक होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये आंसर होगा बी, अधिक होता है। अब क्यों होता है, कैसे होता है, इसको समझते हैं। देखिए अब ह्यूमिडिटी नॉर्मली जो है दो टाइप का होता है, कहीं कहीं आपको तीन टाइप का मिल जाएगा, मैं तीनों चीज़ को डिस्कस करता हूँ। तो एक होता है कि देखिए सबसे पहले ह्यूमिडिटी को मैं डिस्कस करता हूँ कि ह्यूमिडिटी क्या है। तो हवा में जो है ना वाटर वेपर जो प्रेजेंट रहता है, जल वाष्प, हवा में जल वाष्प या वाटर वेपर, तो द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमोसफेयर और एटमोस्फेरिक एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। तो हवा में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा को जो है हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं। कि और ह्यूमिडिटी का जो है जैसे हमारा स्वेटिंग, ये सब ह्यूमिडिटी पे निर्भर करता है। जैसे कहीं ज़्यादा ह्यूमिडिटी है तो हम लोग उमस से एकदम परेशान हो जाते हैं, और गर्मी कहीं ज़्यादा है ह्यूमिडिटी कम है तब भी हम लोग कंफर्ट फील करते हैं। तो ह्यूमिडिटी का काफ़ी जो है इम्पोर्टेंस है रेफ्रिजरेशन में, एसी के कॉन्सेप्ट्स में। तो इसको हम देखेंगे, नॉर्मली क्या होता है कि ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहेगा तो गर्मी ज़्यादा रहेगा, ह्यूमिडिटी कम रहेगा तो गर्मी कम होगा, इवन टेम्परेचर ज़्यादा है और ह्यूमिडिटी कम है तो गर्मी हमको कम लगेगा। अब देखिए कोई स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या है, सबसे पहले हम ह्यूमिडिटी समझा दिए, अब स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी समझा देते हैं। तो द एक्चुअल अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन द एयर एक्सप्रेस्ड एट ग्राम पर केजी या ग्राम्स ऑफ H2O पर किलोग्राम ऑफ एयर, सिंपल है। किसी भी एयर का, जैसे कि एयर है तो पूरा एयर तो हम ले सकते हैं, कोई एयर का एक मान लेते हैं छोटा सा एरिया में, एयर मान लीजिए यहाँ पे 10 kg एयर है, कुछ भी इस तरह से मान लेते हैं, ठीक है। तो उस एयर में कितना जो है मॉइस्चर है उसी को हम स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी बोलते हैं, ठीक है। अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है, तो द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ मॉइस्चर एक्चुअली इन द एटमोसफेयर कंपेयर टू हाउ मच मॉइस्चर कुड बी इन द एटमोसफेयर एट ए गिवन टेम्परेचर। देखिए इसको समझना कितना आसान है, मान लीजिए कि 30 डिग्री सेल्सियस पर किसी एयर के, मान लीजिए 10 kg एयर में ह्यूमिडिटी कुछ रहता है, एक फैक्ट से मान लीजिए कि 100 यूनिट है, ठीक है। 30 डिग्री टेम्परेचर पर मैक्सिमम 100 यूनिट हो सकता है, लेकिन अभी जब हम नाप रहे हैं तो 30 डिग्री टेम्परेचर पर उसमें 90 यूनिट ह्यूमिडिटी है। तो 90 यूनिट बटा 100 यूनिट मतलब अभी जो ह्यूमिडिटी है वहाँ पे बटा मैक्सिमम टेम्परेचर पर इसी एयर के पैकेट में, इसी एयर का जो मेरा पैकेट है उसमें कितना ह्यूमिडिटी है उसको बोलते हैं रिलेटिव, क्योंकि रिलेट कर रहा है मैक्सिमम टेम्परेचर टू करेंट सिचुएशन को रिलेट कर रहा है, तो इसको बोलते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। और ह्यूमिडिटी को हाइग्रोमीटर से मापा जाता है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट कर लीजिएगा। हाइग्रोमीटर ह्यूमिडिटी मेजर करने के लिए यूज होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और एक होता है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, मैंने यहाँ पे डिस्कस नहीं किया लेकिन मैं बोल देता हूँ। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या है कि एब्सोल्यूट से मापते हैं, मतलब किसी भी कोई स्पेसिफिक या रिलेटिव नहीं, एब्सोल्यूट मतलब जीरो से, एकदम जीरो से मापते हैं कि कितना टोटल ह्यूमिडिटी एयर का है, वही हो गया एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। तो दोस्तों यही था आज का इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो था, कुछ क्वेश्चंस और उनसे जुड़े फैक्ट्स मैंने कोशिश की काफ़ी डिटेल्स में सिंपल वे में समझाने की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में अपना जो भी कमेंट हो, अगर कहीं आपको लगता है कि कहीं समझने में प्रॉब्लम है तो आप लिखिए,
हम कोशिश करेंगे उसको काफ़ी अच्छे से आपको समझाने का, आपका क्यूरीज हो, जो भी आपको शंकाएं हो उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।